तो चांदनी बाग थाना जो है उसके कंस्ट्रक्शन का आधारशिला हमने आज रखा है, और ये इसका जो प्रोजेक्ट नए थाने का जो प्रोजेक्ट है तो पिछले एसपी ने उसको मूव किया था, जिसके कारण ही आज ये संभव हो पाया। ट्रिपल स्टोरी ये बिल्डिंग बनेगी क्योंकि जगह कम है, पुराना थाने में जगह कम थी और पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, तो उसको तोड़ के ही नया थाना बनाया जा रहा है। और भी जो बाकी थाने हैं, जैसे कि महिला थाना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सेक्टर 13-17 थाने की ज़मीन अधिग्रहण चल रही है, तो ये लास्ट 1-1.5 साल से काफ़ी थ्रस्ट है सरकार का कि जितने भी थाने चौकी हैं सबको उसमें उसकी अपनी बिल्डिंग हो, अपना ज़मीन हो। तो हमने हर थाने में महिला हेल्प डेस्क खोला है, जिससे कि उनको अपने लोकल लेवल पे ही निपटारा हो, और जरूरी नहीं कि साना मतलौड़ा से लोगों को महिला थाना में आना पड़े। एक कंप्लेंट महिला थाना एक लोकल थाने में जाता था, दूसरी पार्टी कंप्लेंट महिला थाना में चल जाती थी, एक इंसिडेंट के दो दो मुकदमे दर्ज हो जा रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए था कि आपको हर महिला थाने में महिला हेल्प डेस्क दे दिया गया। पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावन ने पानीपत के सेक्टर 24 में एमजीआर चौक के पास थाना चांदनीबाग के नए भवन का भूमि पूजन करने के बाद आधारशिला रखी। 3,02,71,000 रुपए की लागत से तैयार होने वाला 3 मंजिला नवनिर्मित थाने का भवन 15 महीने के दौरान बनकर तैयार हो जाएगा। एसपी शशांक कुमार सावन ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों से कहा कि आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त निर्मित होने वाले थाने के भवन का समय पर निर्माण पूरा होना चाहिए, ताकि नवनिर्मित थाने में पुलिस कर्मचारी व अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए बेहतर माहौल में कार्य करके अपराध पर कारगर अंकुश लगा सके। तो चांदनीबाग थाना जो है उसके कंस्ट्रक्शन का आधारशिला हमने आज रखा है, और ये इसका जो प्रोजेक्ट नए थाने का जो प्रोजेक्ट है तो पिछले एसपी ने उसको मूव किया था, जिसके कारण ही आज ये संभव हो पाया, और इसको फॉलो करके ये स्टिल्ट के साथ 2 ट्रिपल स्टोरी ये बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि जगह कम है, पुराना थाने में जगह कम थी और पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, तो उसको तोड़ के ही नया थाना बनाया जा रहा है। और ये जैसे इन्होंने 15 महीने का टाइम बताया कि 15 महीने में बनेगा, बट आशा है कि वो अगले फरवरी तक ये बना के दे देंगे, क्योंकि अभी चांदनीबाग थाने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो चौकी जो सेक्टर 11-12 चौकी है उससे वो थाना चल रहा है, जिससे कि लोगों को भी परेशानी हो रही है और पुलिस मुलाजिमों को भी परेशानी हो रही है। 3 करोड़ 2 लाख के लागत से एक थाना का कंस्ट्रक्शन होगा, और भी जो बाकी थाने हैं, जैसे कि महिला थाना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सेक्टर 13-17 थाने की ज़मीन अधिग्रहण चल रही है, तो ये लास्ट 1-1.5 साल से काफ़ी थ्रस्ट है सरकार का कि जितने भी थाने चौकी हैं सबको उसमें उसकी अपनी बिल्डिंग हो, अपना ज़मीन हो, और जिससे कि मुलाजिमों को पब्लिकों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, तो इसके प्रति हम लोग प्रयासरत हैं। सर, महिला थाना में केस दर्ज होने बंद हो गया है, कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, केस बंद हो गया, ऐसा कोई केस बंद नहीं हुआ, अभी भी इस साल तो 3 दर्ज हुए हैं, बट जो कि महिलाओं को सिर्फ महिला थाना ऐसा ही महिलाओं को ये वो था इंप्रेशन था कि सिर्फ महिला थाना में ही महिला विरुद्ध अपराध के केस दर्ज होंगे, तो हमने हर थाने में महिला हेल्प डेस्क खोला है, जिससे कि उनको अपने लोकल लेवल पर ही निपटारा हो, और जरूरी नहीं कि साना मतलौड़ा से लोगों को महिला थाना में आना पड़े। तो हमने हर थाने में महिला IOs पोस्ट किए हैं और महिला हेल्प डेस्क लगाए हैं, तो महिलाएं खुद यहाँ पर नहीं आना चाह रही। किसी को अगर ऐसा लगता है कि उनको महिला थाना में कार्रवाई करानी, तो कार्रवाई होती है महिला थाने में। आज भी अगर किसी को आप अगर मेरे को लगता है आप मुझे बताएं कि महिलाओं को अगर दिक्कत हो रही है महिला थाना में दर्ज कराना है स्पेशली, तो आप बताएं मुझे किसी को दिक्कत हो रही हो। तो कि इशू क्या हो रहा था कि एक कंप्लेंट महिला थाना एक लोकल थाने में जाता था, दूसरी पार्टी कंप्लेंट महिला थाना में चल जाती थी, एक इंसिडेंट के दो दो मुकदमे दर्ज हो जा रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए था कि आपको हर महिला थाने में महिला हेल्प डेस्क दे दिया गया। हाँ, हिसाब से आप काम कर रहे हैं, मुलाजिमों को कर भी रहे हैं, लेकिन आजकल जो वायरल वीडियो आ रही है, पैसा कहीं से ले रहे हैं, डायल 112 की भी कई कंप्लेंट्स है, और पिछले दिनों आपने 2 दिन सस्पेंड भी किए हैं, ये देखो सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब एडल्ट हैं, 18 साल प्लस हैं, सबको समझ है, और सबको पता भी है कि अगर कोई गलती करता है तो फिर कार्रवाई में क्या करता हूँ, बाकी जिसको रिस्क लेना है ले, ठीक है, फिर जो जब सबूत आते हैं तो फिर वो कार्रवाई हो जाती है। सर, उसमें जाँच चल रही है अभी जो वायरल वीडियो आई थी तो उसमें तो बताया सीन सस्पेंड हो गया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुल गई। तो मैं तो मैसेज सभी के लिए कि सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और कार्रवाई भी पता है क्या करता हूँ, बाकी सबके अपने रिस्क एपेटाइट पे कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ, हाउसिंग कॉरपोरेशन के एक्सीएन संजीव कुमार वर्मा, SDO सुरेंद्र जागलान व थाना चांदनीबाग के कार्यकारी प्रभारी सब इंस्पेक्टर महावीर, सुरक्षा शाखा इंचार्ज ASI प्रमोद व थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि थाना चांदनीबाग को वर्तमान में सेक्टर 11-12 चौकी के भवन में चलाया जा रहा है,
और आज सेक्टर 24 में एनजीआर चौक के नजदीक थाना चांदनी बाग के नए भवन का भूमि पूजन करने के बाद आधारशिला रखी गई। भवन का निर्माण पूरा होने पर थाना चांदनी बाग को नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।